फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे ये नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बोस का प्लानर मशीन के बारे में, कैसे हम उसको रिपेयर करेंगे। इस प्लानर का मॉडल नंबर है GHO 6500, तो उसको मैं रिपेयर करूँगा। उसमें क्या क्या दिक्कत है क्या नहीं है वो उसके बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। इसमें बेरिंग भी चेंज करूँगा, आर्मेचर चेंज करूँगा और उसमें कार्बन भी चेंज करूँगा। तो चलिए मशीन को चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़ोर से आर्मेचर से स्पार्क है, तो इसलिए हमको ऊपर वाला कवर खोलना पड़ेगा जिसमें कार्बन लगता है। यहाँ पर चार स्क्रू लगता है, उसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ये डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा और उसके बाद हम उसके उसमें कार्बन की कैप खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको खोल लेंगे ऐसे। तो ये निकल गया, फिर हम उसका कवर खोलेंगे, फिर हम उसमें जो कार्बन कैप लगता है उसको खोलेंगे। अभी देखिए दोस्तों, इसमें ये जो दो कार्बन है ये डुप्लीकेट लगा है और ये भी ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए ये डुप्लीकेट लगाया गया है, तो इसलिए आर्मेचर ख़राब हो चुका है। देखिए साइड से ये टूट गया है उसका कम्यूटेटर। तो हमेशा ट्राई कीजिए बोस का या फिर कोई भी ब्रांडेड कंपनी का मशीन है आपके पास तो उसका ओरिजिनल चीज़ लगाने के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम कोई भी डुप्लीकेट लगा लेते हैं वो परफेक्टली उसमें काम नहीं करता है या फिर वो थोड़ा बहुत लूज हो जाता है, तो इसलिए आर्मेचर ख़राब हो जाता है। तो ये गलती आप भी मत कीजिए। तो ये मशीन में ये दिक्कत है, क्योंकि वो जो आप डुप्लीकेट चीज़ लगा लेते हो या फिर मतलब लोकल चीज़ लगा लेते हो उसमें थोड़ा बहुत गैप रह जाता है या परफेक्टली वो फिटिंग नहीं होता है, इसलिए ये आर्मेचर तोड़ लेता है। तो इसलिए आप ऐसा गलती मत कीजिए। ये मशीन ये इसमें डुप्लीकेट कार्बन लगाया गया है, तो इसलिए ये आर्मेचर तोड़ गया है। तो इसलिए हमको आर्मेचर चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, ऊपर वाला जो बेल्ट लगता है वहाँ पर कवर खोल के बेल्ट को निकालना है और यहाँ से जितने भी स्क्रू लगते हैं उसको खोलना है। तो चलिए स्क्रू खोल लेते हैं। तो दोस्तों, चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पावर टूल्स रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल में बहुत सारा मिलने वाला है और भी बहुत प्रॉब्लम में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। दोस्तों, इसको खोलने के बाद हमको बेरिंग चेक करना है और उसमें जो बेरिंग जहाँ पर बैठता है वो प्लास्टिक रहता है, मतलब मटर हाउसिंग में, तो उसको थोड़ा चेक करना है, क्योंकि वो खाने के बाद वो थोड़ा वाइब्रेशन होता है। इसमें इसका कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें बस आर्मेचर ख़राब हो चुका है और उसमें कार्बन चेंज करूँगा, आर्मेचर चेंज करूँगा और प्लस जितने भी बेरिंग है वहाँ उसको चेंज करूँगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मशीन है। तो इसलिए हमको अगर इसको खोला हो ना तो उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाल रहने के बाद वो साउंड आ जाता है, वाइब्रेशन होता है और फिर फ्यूचर में भी तोड़ सकता है। तो इसलिए हमको बेरिंग को खोलना है। तो बेरिंग को खोलने के लिए आप इसको डायरेक्ट फिट सकते हो, नहीं तो आप हाइड्रोलिक जैक यूज़ कर सकते हो। मैं इसको पुलर यूज़ करके ये उसको पुल कर रहा हूँ, फिर ये आसानी से निकल जाएगा, उसको पिटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे निकल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पावर टूल्स में जितने भी स्पेयर पार्ट्स लगते हैं या फिर कोई भी एक्सेसरी हो, अगर आपको खरीदना है तो मुझे नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके एरिया में पार्सल कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे खोल लेते हैं, प्लास्टिक की जो घाटी रहता है उसमें आसानी से थोड़ा पकड़ के उसको, ये उल्टा चोटी रहता है, टाइट करने से निकलता है, लेकिन निकलने से टाइट होता है। तो यहाँ पर 626 का ये देखिए 626 का बेरिंग लगा है, ऊपर 608 का बेरिंग लगा है आर्मेचर में, यहाँ पर 608 का बेरिंग लगा है और यहाँ पे ये जो बेरिंग है इसको क्लीन कर लेता हूँ। इसमें 607 का बेरिंग लगा है, नीचे 607 का बेरिंग लगे और ऊपर इसको खोलना पड़ेगा और यहाँ पे 6000 का बेरिंग लगता है ऊपर। तो हम उसको खोल लेते हैं ऐसे। आपको इनर आउटर की प्लस की ज़रूरत होगा इसको खोलने के लिए, ये थोड़ा टाइट रहता है। ये बस नॉर्मल चूड़ी है, आप उसको खोल सकते हो। ये है 6000 का बेरिंग, तो इसको मैं खोल लिया। और दोस्तों, मैं इसमें चार टो बेरिंग लगता है, एक आर्मेचर में लगता है 626 और 608 और उसमें जो रोलर होता है उसमें 6000 और 607। बहुत लोगों ने कमेंट करते हैं बेरिंग के बारे में बताने के लिए। अगर आपको स्पेशली जितने भी पावर टूल्स में मशीन है उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए उसमें क्या क्या बेरिंग लगता है, तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर
जरूर बनाऊंगा वीडियो। तो ये देखिए GHO 6500 का ये आर्मेचर, तो उसको मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ। ये ओरिजिनल बोस का ही है, आप उसका MRP देख सकते हो। इसमें कोई वेयरिंग वगैरह नहीं आता है, तो हम खुद लगाना पड़ता है वेयरिंग, तो इसलिए हमको उसमें वेयरिंग लगाना पड़ेगा। तो चले वेयरिंग लाते हैं। यह दोस्तों चारठों वेयरिंग, इसमें चारठों ही वेयरिंग लगता है, तो चारठों वेयरिंग लगाएंगे। और ये 6000 का वेयरिंग है, और ये 608 का वेयरिंग है, 626 का मैं तोड़ा था, खोला था। और ये है 607 का वेयरिंग, इसको हम खोल लेते हैं वेयरिंग पुलर से। मैं उसको खोल रहा हूँ। अगर आपको ये वेयरिंग पुलर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको परचेज कर सकते हो, या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपके एड्रेस पे भेज सकता हूँ। मैं ये बहुत आसान होता है बेरिंग को खोलने के लिए, जितने भी बड़ा बेरिंग है या फिर जितने भी छोटा बेरिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खोल सकते हो उसको। अभी दोस्तों उसमें हम बेरिंग को फिट करेंगे। सबसे पहले 626 का बेरिंग यहाँ से फिट करेंगे आर्मेचर में, आर्मेचर के नीचे कमांडर के ऊपर बेरिंग, हम 626 का बेरिंग फिट करेंगे। ऐसे हम फिट कर सकते हैं, या फिर आप हाइड्रोलिक जैक में आप प्रेस करके लगा सकते हो। मेरे पास वो चीज़ अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों आर्मेचर के ऊपर जो बेरिंग लगता है, उसको आप बेरिंग ब्रैकेट जो ये है, ये जो बेरिंग ब्रैकेट है, उसमें आपको फिट करना है। इसको आप आसानी से फिट कर सकते हो इस ऐसे थोड़ा थोड़ा पिट के, या फिर हाइड्रोलिक जैक के जैक में आप उसको फिट कर सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें कोई भी टाल नहीं होगा, क्योंकि उसको वो टेक्निक चाहिए उसको पीटने का। अगर आप इधर उधर पीट लोगे तो बेरिंग ख़राब हो सकता है, ध्यान दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बेरिंग अगर आप नया बेरिंग लगाओगे वो टाल हो जाएगा, वो जाम हो जाएगा, वो सही नहीं है। आप परफेक्टली बेरिंग को फिटिंग करना चाहिए। अभी दोस्तों ये लगभग फिटिंग हो चुका है, परफेक्टली बैठ चुका है ये, देखिए। अभी दोस्तों हम मैं उसको ऐसे ही फिटिंग करूँगा, 6000 का बेरिंग, ये मैं ऑलरेडी फिटिंग कर चुका हूँ। अभी दोस्तों उसमें आर्मेचर लगाएंगे, और उसमें जो पुली है उसको लगाएंगे, और ये हमेशा उल्टा चूड़ी होता है, मतलब आप टाइट करोगी वो खोलेगा, खोलोगी तो टाइट होगा। ये देखिए ये परफेक्टली फिटिंग हो चुका है। अभी दोस्तों उसमें रोलर लगाएंगे, रोलर के नीचे जो वेयरिंग लगता है उसको लगाएंगे। 607 का ये वेयरिंग है, हम ऐसे उसको लगा सकते हैं। अगर आपको बेरिंग पिटने का कोई भी वीडियो चाहिए, मतलब किससे हम उसको परफेक्टली फिटिंग कर सकते हैं, बेरिंग को पिट सकते हैं आर्मेचर या फिर कोई भी कुछ भी कहीं पर भी, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अब कैसे उसको परफेक्टली बेरिंग को पिट सकते हो कौन से ट्रिक में। अभी दोस्तों हम उसको टाइट करेंगे, वो जो पुली होता है उसको थोड़ा बहुत टाइट कर लेंगे, या फिर थोड़ा टाइट करने के बाद वो ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है वेल्ड लगने के बाद। अभी दोस्तों उसको उसमें हम आर्मेचर और रोलर को डालेंगे मटर हाउसिंग में, और ये हमेशा नीचे जो बेरिंग लगता है वो बेरिंग कवर में, वो बॉक्स में, मतलब वो जो घाटी रहता है उसमें बैठना ज़रूरी है। आपको कोई भी फिटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप नीचे से थोड़ा लग देख लीजिए वो परफेक्टली बैठा है या नहीं है। अभी दोस्तों उसमें मैं ऑलरेडी उसमें स्क्रू जितने भी लगते हैं उसको टाइट कर लिया हूँ। अभी दोस्तों ये परफेक्टली फिटिंग हो चुका है। अभी दोस्तों उसमें कार्बन लगाएंगे। कार्बन लगाने से पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, उसमें जो देखिए उसमें जो कार्बन होल्डर होता है, ये देखिए अभी ये इतना गैप में रहना चाहिए। अभी दोस्तों ये परफेक्टली फिटिंग हो चुके है, उसमें हम ओरिजिनल कार्बन डालेंगे, क्योंकि हम डुप्लीकेट कार्बन उसमें नहीं डालेंगे। अगर आप डुप्लीकेट कार्बन डालोगे तो आर्मेचर ख़राब हो जाएगा, जैसे कि ये मशीन में हुआ है। दोस्तों ये 250 रुपये का ये कार्बन है, अगर आप 30 रुपये का कार्बन लगाओगे तो आर्मेचर ज़रूर ख़राब होगा।
अभी दोस्तों उसका कवर बैक कवर देंगे, ऊपर ऊपर वाला जो कवर है देने के बाद हम उसमें चाटो स्क्रू टाइट करेंगे। चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है, मतलब वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए जरूर, और कमेंट कीजिए किस तरीके पर आपको वीडियो चाहिए। अभी दोस्तों ये परफेक्टली फिटिंग हो चुका है, अभी हम उसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के बाद हम उसको फिर दोबारा चलाएंगे, क्योंकि ये आर्मेचर चलाया था, अभी मैं रोटर चलाऊंगा। अभी दोस्तों ये फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी सही फिटिंग हुआ है, इसमें कोई भी थोड़ा भी साउंड नहीं है, इसमें बहुत स्मूथ साउंड है। अगर आपको ये जो साउंड लग रहा होगा, मतलब थोड़ा अप डाउन, तो ये जो माइक है साउंड का बिल नहीं पकड़ पा रहा है, तो इसलिए मतलब उसका जो एयर है तो माइक को लग रहा है, तो इसलिए इधर उधर साउंड होता है। दोस्तों चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मशीन बिल्कुल भी परफेक्टली फिट हो चुका है। तो अगर आपका मशीन ख़राब है तो आप ऐसे उसको रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों आपको किस टाइप के ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।